हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो में आज हम रिएक्शंस इंटरमीडिएट के बारे में जानते हैं। ठीक है, रिएक्शंस इंटरमीडिएट। तो देखिए, टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट के कितने टाइप्स हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। सबसे पहले कार्बो कैटायन, दूसरा है कार्बो एनायन, तीसरा फ्री रेडिकल ऑफ कार्बन, फ्री रेडिकल, फिर कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन। ये है कुछ टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो इस वीडियो में हम ये तीन के बारे में डिस्कस करेंगे, कार्बोकेटायन, कार्बो एनायन, फ्री रेडिकल के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कार्बोकेटायन से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कार्बो कैटायन। देखिए, कार्बो कैटायन से स्टार्ट करने से पहले आपको यह जानना होगा कि रिएक्शंस इंटरमीडिएट मतलब होता क्या है। मतलब अगर एक रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, या सबस्ट्रेट, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में मतलब बाद में डिस्कस करेंगे, तो जो इंटरमीडिएट, जो मिडिल में जो फॉर्म होता है, जो एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, जैसे कभी कार्बो कैटायन फॉर्म हो गया, उसके बाद इंटरमीडिएट के बाद क्या फॉर्म होता है, प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो नया स्पीसीज फॉर्म होता है उसे हम कहेंगे इंटरमीडिएट। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं कार्बो कैटायन से। कार्बो कैटायन में स्टार्ट करता है। तो देखिए, ये जो कार्बो कैटायन है, एक एग्जांपल ले लेते हैं ये। ठीक है, CH3Cl, मैंने बॉन्ड फिजर में बताया था कि ये एक हेट्रोलिटिक टाइप का बॉन्ड फिजन करता है अगर हम इसको तोड़े तो। ठीक है, इसमें और इसमें कौन सा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम है क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या करेगा, पूरा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। अब पूरा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया तो CH3 में क्या है, पॉजिटिव, और क्लोरीन में क्या है, निगेटिव। ठीक है, CH3 में पॉजिटिव, क्लोरीन में नेगेटिव, तो इसी को हम कार्बो कैटायन बोलेंगे। कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है। ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये कार्बो कैटायन में। ठीक है, ये कार्बो कैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर भी आपको याद रखना होगा। याद क्या, आपको समझा देते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे निकालते कार्बो कैटायन के रेस्पेक्ट में। तो देखिए, कार्बो कैटायन का स्टेबिलिटी जनरली जो है 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, ये कार्बो कैटायन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर। 3 डिग्री कार्बो कैटायन ग्रेटर देन 2 डिग्री कार्बो कैटायन ग्रेटर देन 1 डिग्री कार्बो कैटायन। ठीक है, तो देखते ये कैसे हुआ, तो देखते ये कैसे हुआ। चलिए देखिए, ये है 3 डिग्री कार्बन एटम, कौन सा डिग्री, 3 डिग्री कार्बो कैटायन। ठीक है, कार्बो कैटायन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, और कौन सा डिग्री है, 3 डिग्री। क्यों 3 डिग्री, क्योंकि 3 कार्बन से अटैच है। ठीक है, नेक्स्ट 2 डिग्री, नेक्स्ट कौन सा डिग्री है, ये 2 डिग्री, और लास्ट ये 1 डिग्री कार्बो कैटायन है। ये कौन सा डिग्री कार्बो कैटायन है, 1 डिग्री कार्बो कैटायन है। तो देखिए, मैंने बताया था कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कैटायन, स्टेबिलिटी इस कार्बो कैटायन का, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कार्बन
जब ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करे, कब, जब ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करे। तो इंडक्टिव इफेक्ट के टर्म्स में देखते हैं, देखिए ये सी एच थ्री जो है ये कौन सा प्लस आई इफेक्ट शो करता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गया, ठीक है, यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है इसमें, अगर यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट ज्यादा तो स्टेबिलिटी इसका ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी इसका ज्यादा होगा, यहाँ पर दो प्लस आई, ठीक है, और यहाँ पर ये सी एच थ्री है जो प्लस आई इफेक्ट शो खुद ही करता है, ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ये हो गया 3 degree greater than 2 degree greater than 1 degree, ठीक है। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से भी आप शो कर सकते हैं अगर हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। तो देखिए मैंने आपको बताया था हाइपर कॉन्जुगेशन को कैसे देखते हैं पिछले वीडियो में, पिछले के पिछले, तो हाइपर कॉन्जुगेशन जनरली पीडीएफ, कीवर्ड है पीडीएफ, इस केस में पॉजिटिव है, क्या है पॉजिटिव, पी मतलब पॉजिटिव, डी मतलब डबल बॉन्ड, एफ मतलब फ्री रेडिकल, तो इस केस में क्या है पॉजिटिव, ठीक है पॉजिटिव है, उसके बगल वाला कार्बन आइटम, बगल वाला कार्बन आइटम sp3 होना चाहिए, क्या होना चाहिए sp3, इसका मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहा है, ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहा है, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहा है, ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहा है, ठीक है, और ये वाला भी हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहा है, ठीक है। तो ये अब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 3, 3, 6, 3, 9 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, 6 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा स्टेबिलिटी, तो इसलिए 3 degree greater than 2 degree greater than 1 degree, ये है कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट अब चलते हैं कार्बोकेटायन का स्ट्रक्चर की ओर, ठीक है, तो देखते हैं कार्बोकेटायन का स्ट्रक्चर, तो देखिए ये रहा, ये कार्बोकेटायन का, तो चलिए इस कार्बोकेटायन का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो देखिए ये एक सिग्मा, ये दो, ये तीन, नंबर ऑफ सिग्मा कितना हुआ 3, इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2, इससे पता चलता है किस तरह से ज्योमेट्री हुआ है, प्लेनर ज्योमेट्री, कौन सा ज्योमेट्री, प्लेनर ज्योमेट्री, और इस कार्बन में इनकम्प्लीट ऑक्टेट, 6 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट है ये, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, अपना ऑक्टेट को फिल करने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, अपना ऑक्टेट को फिलअप करने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। तो ये है कार्बोकेटायन का, तो मैंने कार्बोकेटायन के बारे में, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ये सब डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट जो है वो है कार्बो एनायन, नेक्स्ट क्या है कार्बो एनायन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कार्बो एनायन से, कार्बो एनायन, जैसे कार्बो कैटायन था कि कार्बन उसमें पॉजिटिव और कोई ग्रुप अटैच हो, 3 degree carbon 2 degree carbocation, उसी तरह कार्बो एनायन है, लेकिन अंतर क्या है, इसमें कार्बन में नेगेटिव चार्ज है, OH नेगेटिव चार्ज, तो ये हो गया कार्बो एनायन। तो चलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, तो ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा, क्या अच्छे से मिटा, मतलब मिटा लेते, इसको अच्छा समझ में आ जाएगा आपको, तो ये कुछ ऐसा है, एक एच, ये और ये रहा, ठीक है, ये कुछ ऐसा है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3, ये पिरामिडल स्ट्रक्चर, पिरामिडल मिडल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये कार्बो एनायन का स्टेबिलिटी की ओर चलता है, कार्बो एनायन का स्टेबिलिटी, तो मैंने बता दिया था कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। तो वही 3 degree कार्बो एनायन 2 degree और 1 degree में कंपेयर करता है, तो देखिए 3 degree सेम, वैसे माइनस ये हो गया 3 degree,
एक एच टू डिग्री, मतलब ये भी कार्बन है और ये 1 डिग्री, 1 डिग्री, ठीक है, ये क्या है 1 डिग्री। तो देखिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। ये CH3 जो है प्लस आई इफेक्ट देता है, मतलब यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है तो इसका कार्बन आयन का स्टेबिलिटी क्या होगा, कम। इसी तरह ऐसे यही है इसका रिजल्ट। तो ये था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एंड आयन, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो है कार्बन फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल मैंने आपको बता दिया था एक होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन, होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन, होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन मैंने आपको समझा दिया था ये बॉन्ड फिजन के लेक्चर में। जैसे समझिए ये ए ये बी, ठीक है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर, तो दोनों क्या करेगा इलेक्ट्रॉन का पेयर को शेयर करेगा, तो इससे क्या बनेगा ए फ्री रेडिकल, बी फ्री रेडिकल, ठीक है। तो ये जो आपका फ्री रेडिकल कार्बन होता है ये न्यूट्रल होता है, ठीक है, क्या होता है चार्ज कोई नहीं रहता इसलिए ये क्या रहता है न्यूट्रल। फ्री रेडिकल का बात चल रही है, फ्री रेडिकल का न्यूट्रल रहता है पहला। दूसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तीसरा पैरामैग्नेटिक नेचर, पैरामैग्नेटिक नेचर। चौथा स्टेबिलिटी, पी से हम डिटेक्ट कर सकते हैं, मतलब 3 डिग्री फ्री रेडिकल ऑफ कार्बन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। तो भाई ये हो गया 3 डिग्री फ्री रेडिकल, ज्यादा स्टेबल है 2 डिग्री फ्री रेडिकल से, 2 डिग्री फ्री रेडिकल से ज्यादा स्टेबल है 1 डिग्री फ्री रेडिकल से, ठीक है। तो यही है फ्री रेडिकल का पूरा इतिहास, फ्री रेडिकल का, फ्री रेडिकल के ऊपर। अब वही इसका स्ट्रक्चर, इसका हाइब्रिडाइजेशन, वही सब हम निकालते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये मैं फ्री रेडिकल का बना रहा हूँ स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें लेकिन 2p ऑर्बिटल रहता था जिसमें एक इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई है, ठीक है। तो ये फ्री रेडिकल है, कार्बन फ्री रेडिकल। इसका हाइब्रिडाइजेशन देखिए, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, और ये इनकम्प्लीट लोन पेयर है, मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो इसे हम काउंट नहीं करेंगे। तो अपने पास आता तीन सिग्मा, तीन सिग्मा मतलब sp2, तो ये कौन सा हो गया, ये भी प्लेनर हो गया, ये भी क्या हो गया प्लेनर। तो यही था कार्बो कैटायन, कार्बो एनायन एंड फ्री रेडिकल का कंसेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में बेंजाइन, नाइट्रीन, कार्बीन जैसे रिएक्शंस इंटरमीडिएट के ऊपर बात करेंगे। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा ये तीन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, ठीक है फ्रेंड्स, बाय।